शशिकांता की रसोई में आपका स्वागत है। और आजकल गर्मी चल रही है, इसमें कच्चे आम भी बहुत आ रहे हैं, तो कच्चे आम की जो मीठी चटनी, मैं लोग गुड़ से भी बनाते हैं चीनी से, पर मैंने चीनी से बनाई है, तो चटनी को हम एक साल तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। तो मैंने उसके लिए ये 400 ग्राम करीब कच्चा आम लिया है, और इसको पहले मैं छील लूँगी, छील के फिर कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे। को धो के मैंने साफ कर लिया इसको, और बिल्कुल सुखा लिया, क्योंकि पानी नहीं इसमें होना चाहिए बिल्कुल। और दोनों आम छील लेंगे और फिर इसको ग्रेट कर लेंगे, फिर देखेंगे इसमें कितना पल्प निकला है। जितना पल्प या गूदा निकला होगा उसके हिसाब से हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। छील लेंगे इसको, छील लिए, अब मैं इसको ग्रेट कर लूंगी। सबसे करिए मोटे तरफ से, तो अच्छा से अच्छा निकलता है, उससे अच्छी चटनी बनती है। ये दोनों आम मैंने जो लिए हुए थे 400 ग्राम के आम, वो मैंने घिस लिए हैं, और ये जो पल्प निकला है वो इस कटोरी से 2 कटोरी है, ये मैंने इसको नाप लिया है। जितनी कटोरी ये पल्प निकलता है उतनी ही कटोरी उसमें चीनी डालते हैं, या आप गुड़ भी डाल सकते हैं, तो लेकिन मैंने इसमें चीनी डाली है। तो मैंने ये 2 कटोरी पल्प से 2 कटोरी ये चीनी है, और इधर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है, जो मैं काली मिर्च ला, कोई मसाला मैं इसमें नहीं डालती हूँ, ये काली मिर्च है और ये नमक है। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरे पास जो पल्प है इसको मैं अभी मैं गैस ऑन नहीं की है, पहले मैं इस पल्प को कढ़ाई में डाल दूंगी, और ये चीनी भी इसमें डाल देंगे। और अब हम गैस को ऑन कर देंगे और इसको लो मीडियम पे रखेंगे, और बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, कढ़ाई सूखी होनी चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए तो खराब हो जाती है फिर ये। और हम उसको लो मीडियम पे रखेंगे और इसमें चलाते रहेंगे, धीरे धीरे चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी, और इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको लगातार कंटिन्यू चलाना ही है, नहीं तो ये जलने लगती है। और अब हम इसमें अभी इसमें आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। देखिए काली मिर्च हम लास्ट में डाल दें, धीरे धीरे चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। लगातार हम चला रहे हैं, बिल्कुल हटे नहीं इसके पास से, और देखिए ये लिक्विड सा बनने लगा है, चीनी इसमें मेल्ट हो गई है, और धीरे धीरे इसमें मिक्स हो जाएगी। लगातार चलाते रहेंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे ये बन गई कि नहीं। मीडियम को फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है,
और इसको जो है लगातार हम चला रहे हैं इसको, क्योंकि पानी नहीं पड़ा है, ये पक जाएगी अच्छे से, तो ये आराम से आप इसको एक साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बाहर रखिए चाहे फ्रिज में रखिए, जैसे चाहे, बाहर भी नहीं खराब होगी। बहुत लोग इसमें मसाला भी डाल देते हैं, मिर्च डाल देते हैं, पर हम केवल चीनी, नमक और काली मिर्च डालते हैं बस, जिससे बच्चे भी आराम से खा ले, पराठे से, पूरी से, किसी भी चीज़ से, या कभी जो बच्चों को पसंद आता है तो रोटी से भी खा लेते हैं। देखिए बनिए इसकी चाशनी को, हम कैसे इसको चेक करेंगे कि मेरी पक गई कि नहीं। तो ये देखिए हम क्या करेंगे कि बीच में से गैस को थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो जल जाएगी, और इसमें हम इसमें गिराएंगे और ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी। फिर देखिए गर्म मत डालिएगा, उंगली जल जाती है। देखिए ऐसे एक तार का चाशनी हमारी बन गई है, देखिए चिपक रही है एक तार की चाशनी ऐसे। मतलब एक तार की चाशनी के बाद 2-3 मिनट हम और चलाएंगे बस, फिर हम बंद कर देंगे इसको। एक तार की चाशनी बन चुकी है, हम इसको 2-3 मिनट और चलाएंगे। धीरे धीरे गाढ़ी भी हो रही है, गैस को हमने मीडियम कर रखा है, फ्लेम हमारी मीडियम है। तो 2 मिनट और चलाऊंगी पूरी टोटल, अगर इसको लेके बनाए तो 15-20 मिनट लगता है हमको बनाने में इसको। और इसको कांच के जार में भर के रखिए, क्योंकि खट्टी मीठी होती है, तो किसी बड़े स्टील के बर्तन उसमें नहीं भर के रखिए। देखिए बन गए, हम गैस ऑफ कर दिए और चल तभी भी चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई मेरी गर्म है। ये देखिए बन चुकी है, अभी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो ये जम जाएगी। मैंने पहले ही ऑफ कर दी थी, अब मैं इसको थोड़ा ठंडा कर रही हूँ, ठंडी हो जाएगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी और, तो इसको ठंडा करके फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए ठंडे होने रखी हुई है, अब मैं इसमें ये पीसी हुई काली मिर्च है मेरे पास, ये 1/2 चम्मच, ये छोटा चम्मच जो है ये वाला टीस्पून वाले, ये मैं इसमें डाल दूंगी। एक नहीं डालिएगा बस, आप 1/2 चम्मच इसमें हम डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है इसका, काली मिर्च का। और मैं कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करती, बस नमक और काली मिर्च, चीनी बस। ये ठंडी हो गई है, देखिए अपने आप गाढ़ी हो गई, देखिए ये ठंडी हो गई, गाढ़ी हो गई। अब इसे कांच के बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे, बाद में किसी कांच की बॉटल में इसको बंद करके रख लेंगे। तो पहले मैं इसको कांच की बॉल में पास है, इसमें मैं इसको निकाल दे रही हूँ। पानी में जब भी आप निकालें भी तो
चम्मच गीली नहीं होनी चाहिए, पानी अगर इसमें नहीं जाएगा तो ख़राब नहीं होती है। हम इस तरह से प्रिजर्व करके रख लेंगे इस तरह से, और इसको इसमें बॉल में मैंने रखा हुआ है, और ये जब पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो मैं एयर टाइट में बंद करके इसको रख दूंगी, और ऐसे कांच के आपस कोई भी हो, बॉटल हो या कुछ भी हो उसमें आप इसको रख दीजिए, तो ये एक साल तक प्रिजर्व रहती है। तो ये आम की खट्टी मीठी चटनी तैयार है ये, और इसको आप आराम से साल रखिए, अगले सीजन जब किराए फिर बना लीजिए। तो इसको देखिए, इसको बनाइए, खाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी क्लिक करिए, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आप तक शीघ्र पहुँच जाए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।